हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी सोलिसो मोटर स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास अपाची 180-160 है और उसमें आपको पूरा वायरिंग चेंज करवाना है तो कितनी प्राइस में वायरिंग चेंज होगा और कितने का आता है वायरिंग, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आप देख सकते हैं हमारे पास अभी अपाची RTR 180 है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये हमने पूरा ओपन कर लिया है, इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, पर मैंने वायरिंग नया है वो ला दिया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायरिंग आता है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से पूरा वायरिंग है। स्विस कंपनी का ओरिजिनल वायरिंग हमने लाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज बॉक्स के साथ में आता है पूरा वायरिंग। अब सॉकेट टू सॉकेट में दिखा देता हूँ किस तरीके से वायरिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर वाला पूरा वायरिंग है, जिसमें ये सॉकेट मीटर का है और दूसरा इस तरीके से पूरा हमें वायरिंग देखने को मिलता है। अगर पार्ट नंबर की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हैं OEM पार्ट नंबर N9161190 है, जिसमें अपाची RTR 160-180 लिखा हुआ मिलता है, 2008 से 2011 मॉडल का। और अगर प्राइस की बात करें तो 1100 रुपये का ये वायरिंग आता है और अराउंड 200 रुपये जैसी लेबर चार्ज लगती है, तो अराउंड 1300 रुपये जैसा कॉस्टिंग आता है। और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।